मराठी फिल्मों ने हमेशा से ही विविध विषयों को प्रस्तुत कर दर्शकों का मनोरंजन किया है। पिछले कुछ वर्षों में मराठी फिल्मों भी रोमांचक कहानियों के साथ आधुनिक तकनीक के साथ हाथ मिलाकर तकनीकी रूप से सक्षम हो गई है। यह दुनिया भर के मराठी प्रेमियों को समय समय पर पता चलता आ रहा है। आने वाली मराठी फिल्म गड़द अंधार इन सबसे एक कदम आगे है। मराठी फिल्मों के पर्दे पर कभी ना दिखने वाली पानी के नीचे की दुनिया गड़द अंधार में नजर आएगी। गड़द अंधार एक सुपर नेचुरल थ्रिलर फिल्म है जो 3 फरवरी 2023 को पूरे महाराष्ट्र में रिलीज होने वाली है। कई रहस्यों से पर्दा उठाते हुए यह फिल्म दर्शकों को एक रोमांचक अनुभव देगी। कैप्टन अवधेश सिंह और वर्षा सिंह द्वारा निर्मित इल्ला फीचर विजन प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले फिल्म गद अंधार का निर्माण किया गया है। निर्देशक प्रगेश रमेश कदम ने इस फिल्म का निर्देशन किया है। फर्स्ट लुक टीजर और हाल ही में रिलीज हुए ट्रेलर ने दर्शकों को गड़द अंधारा की एक झलक देखने को मिली है। शानदार अंडर वाटर सिनेटोग्राफी फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है। ऊपर से नीले प्रतीत होने वाले समुद्र के गहरे पानी में गहरा अंधकार है। इस गहन अंधकार के पीछे कई रहस्य छिपे हुए हैं। जब पानी के नीचे अंधेरे में छिपा एक रहस्य जमीन पर सामने आता है, यह फिल्म में दिखाया गया है। गायक संगीतकार रोहित श्याम राउत का संगीत इस फिल्म का एक और अच्छा पहलू है। इस फिल्म का दरिया दरिया गाना अच्छा चल रहा है। ट्रेलर देखने से संकेत मिलता है कि गद अंधार का प्लॉट उन पहलुओं पर रोशनी डालेगा जो आज तक कभी सामने नहीं आए। निर्देशक प्रज्ञेश कदम ने इस फिल्म के लिए धारा प्रवाह से हटकर कुछ अलग दिखाने की कोशिश की है। इस फिल्म को प्रज्ञेश कदम ने लौकिक और चेतन मूल्य के साथ लिखा है। फिल्म के संवाद भी बेहद मार्मिक और विचार करने के लिए उत्तेजित करने वाले हैं। रियलिटी शो बिग बॉस और एमटीवी स्प्लिट्सविला X3 के जरिए महाराष्ट्र के घरों में पहुंचे जय दुधाने को बड़े पर्दे पर देखने के लिए उनके प्रशंसकों और अन्य आम दर्शकों उत्साहित होंगे। नायिका के रूप में अपनी पहचान बनाने वाली नेहा महाजन की जोड़ी जय के साथ है। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फैंस को अट्रैक्ट करेगी। कुल मिलाकर गुणवत्तापूर्ण निर्मित मूल्य, उम्दा अभिनय, टू द पॉइंट लेखन, सार्थक संवाद, मधुर गीत संगीत, शानदार कैमरा वर्क, तेज तर्रार संपादन और निर्देशन का एक बेहतरीन उदाहरण गद अंधार फिल्म के रूप में दर्शकों को देखने को मिलने वाला है। जय नेहा अभिनीत इस फिल्म में शुभांगी तांबले, आकाश कुंभारे, चेतन मूले, आरती शिंदे, बाल कलाकार आस्था और अन्य कलाकार भी हैं। इस फिल्म में रोहित राउत के साथ जूली जोगलेकर राउत और दिव्य कुमार ने भी गाने गाए हैं। आदिनाथ पालकर ने गानों का संगीत संयोजन किया है और प्रवीण वानखेड़े ने कार्यकारी निर्माता की जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। सुपर नेचुरल भिला गड़द अंधार 3 फरवरी 2023 को पूरे महाराष्ट्र में रिलीज होगी। नमस्कार, मैं प्रज्ञेश रमेश कदम। गड़द अंधार ही माझी फिल्म आहे ती 3 फरवरी 2023 ला रिलीज आहे। ही फिल्म एक सुपर नेचुरल थ्रिलर आहे। आपल्या ही फिल्म पहिली मराठीतली फिल्म आहे जी अंडर वॉटर शूट केली गेलेली आहे। ही चार मित्रांची स्टोरी आहे। ते पाण्यामध्ये स्कूबा डायविंग करता करता काही गोष्टी शोधतात आणि त्या गोष्टींमध्ये त्यांच्या आयुष्यामध्ये काय बदल घडतो याच्यावर ते कथानक आधारित आहे। नमस्कार, मी नेहा महाजन। 3 फेब्रुवारी 2023 या दिवशी गडद अंधार हा सिनेमा रिलीज होतो आहे। ही मराठीतली पहिली फिल्म आहे ज्याच्यामध्ये आम्ही समुद्राच्या खाली 40% शूट केलं आहे। मराठीतला सुद्धा हा पहिला एक्सपेरिमेंट आहे ज्याच्यामध्ये सुपर नॅचरल थ्रिलर हा विषय आम्ही हाताळला आहे। त्यामध्ये खूप वेगळ्या प्रकारची रियालिटी ॲक्टर्स म्हणून सुद्धा आम्हाला अनुभवायला मिळाली, कारण इतके दिवस आम्ही पाण्याच्या वर शूटिंग करत आलो आहे, पण पाण्याच्या खाली जाऊन अभिनय करण्याची पहिलीच वेळ होती। त्यामुळे अर्थातच सगळीच परिमाणं बदलली, ज्यामुळे एक मानसिक आणि शारीरिक आव्हान मिळाल्यासारखं वाटलं आणि म्हणूनच खूप या सिनेमाविषयी आम्हाला उत्साह आणि उत्सुकता दोन्ही गोष्टी आहेत। नमस्कार, मी जय दुधाणे आणि आमचा सिनेमा येतो आहे तो म्हणजे गडद अंधार 3 फेब्रुवारी 2023। तर सिनेमाचा विषय खूप वेगळा आहे, कारण की पहिल्यांदाच असा एक विषय येतो आहे तो म्हणजे स्कूबा डायविंगबद्दल आणि अंडर वॉटर शूट झालेला हा पहिला सिनेमा आहे। तर अराउंड 40% फिल्म ही अंडर वॉटर शूट झाली आहे, 26 ते 27 मिनटं। तर तुम्हाला बघायला खूप मजा येणार आहे, कारण की खूप मस्त वाटतं जे काय चित्रीकरण आणि जे काय ज्या पद्धतीने डिरेक्शन केलेलं आहे त्यात। आय थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स आणि ट्रेलर पाहून मी स्वतः खूप खुश झालो। आय थिंक फिल्म विल बी फॅब्युलस।
खूप छान वाटतं, कारण की आय थिंक खूप अनेक चॅलेंजेस आम्ही फेस केले फिल्म शूट करताना, कारण की अंडर वॉटर शूटिंग करणं हे इट्सेल्फ म्हणजे ऐकूनच खूप मस्त वाटतं, बट त्याच्यामध्ये अनेक चॅलेंजेस आले, पण अगेन चॅलेंजेस नसतील तर आय थिंक मजा येत नाही कोणत्याही गोष्टीमध्ये. तर मस्त स्टोरी आहे, छान आहे, तुम्हाला मजा येईल बघायला. तर 3 फेब्रुवारी 2023 नक्की तुम्ही थिएटर्समध्ये जाऊन हा सिनेमा. कॅमेरा पर्सन अमोल के साथ अभिषेक मानसी, BCN न्यूज नागपूर.